भारत सरकार द्वारा परमाणु विभाग में अनुसंधान हेतु फेलोशिप के लिए चयनित और माइक्रोबायोलॉजी में एमएससी डिग्री को स्वर्ण पदक सहित प्राप्त करने वाली दीदी मां मंदाकिनी श्रीराम किंकर के पावन सानिध्य में नेहरू नगर स्थित राधा कृष्ण मंदिर में 6 जनवरी से 8 जनवरी तक 3 दिवसीय श्रीराम कथा का आयोजन किया गया है। आयोजन की जानकारी प्रेस वार्ता में कथावाचक दीदी मां मंदाकिनी श्रीराम किंकर ने दी। भगवान श्री राम के इस ननिहाल में भिलाई नगर में ये मानस ज्ञान यज्ञ ये पवित्र अनुष्ठान जो संपन्न होने जा रहा है, मैं प्रत्येक जागरूक जो संस्कृति और संस्कार से जुड़े हुए हूँ ऐसे प्रत्येक साधक को निमंत्रण देती हूँ, क्योंकि ये प्रभु की कृपा से ही एक अलौकिक अवसर मिला है 3 दिवसीय विचार चिंतन करने का, जिसमें भगवान की लीलाओं का जो है चिंतन वर्णन करके उसके हमारे जीवन से जो जीवन उपयोगी संदेश है वो दिया जाएगा, ताकि हमारी वर्तमान समय में जो भी व्यक्ति समस्याएं अनुभव कर रहा है उसका समाधान उसको उसके द्वारा प्राप्त हो जाए। तो किस तरह से हम लोग आजकल मोटिवेशनल गुरुओं के पास जाते हैं, काउंसलरों के पास जाते हैं, बच्चे जहां ऐसा लग रहा है कि गुमराह हो रहे हैं, अगर हमारे इन धर्म ग्रंथों में जो ऋषि मुनियों ने चिंतन दिया है, जो हमारे अवतार पुरुषों ने लीला करके हमारा मार्गदर्शन किया है, हम वापस लौट करके और देखें। और सबसे बड़ा सौभाग्य है कि युग तुलसी महाराज श्री राम किंकर जी ने हमें वो अलौकिक आध्यात्मिक दृष्टि दी है, दार्शनिक दृष्टि दी है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ये सारी लीलाओं का विश्लेषण विवेचन करके हमें समझाया है कि हमारे लिए ही प्रभु ने अवतार लिया था और उन्होंने हमें ये संदेश दिया है, और अगर उन समाधानों को हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन आनंदमय सुखमय होगा। वर्तमान में युवा अध्यात्म से दूर और सोशल मीडिया में ज़्यादा इन्वॉल्व होकर अपना समय भी व्यर्थ कर रहे हैं और उससे दूर होते जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये चाहती हूँ कि सोशल मीडिया में भी अगर उन लोगों को मोबाइल अगर उनके उपलब्ध है तो वहाँ भी अध्यात्म का अगर उनको ऐसी वेबसाइट मिल जाए, युग तुलसी परम पूज्य गुरुदेव की एक वेबसाइट हमने बनाई है www.ramayanam.org, जिसमें उनको रस भी मिलेगा, दृष्टि भी मिलेगी, फूड फॉर थॉट, फूड फॉर द माइंड एंड हेल्दी फूड फॉर द बॉडी, हर तरह का उनकी जो भूख है जो प्यास है वो सभी उनको मिलेगी, क्योंकि केवल अश्लील चिंतन और अश्लील विचारों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ध्यायतो विषयान पुंसान संगस्तेषु पजायते, सबसे बड़ा दोष है वो है संग दोष। अगर आपका संग खराब है, कुसंग अगर हो जाता है, तो कुसंग से निश्चित रूप से आपकी मति कुमति हो जाएगी और तब उसकी परिणति क्या होगी, उनका ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात विनाशात विनश्यते विनाश। हाँ नहीं, आप ये समझ लीजिए कि हम धर्म को मानते हैं पर हमें धर्म की